तो सभी जो प्यारे मित्र हैं, सभी का नमस्कार और सभी का स्टडी एट होम जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इसमें स्वागत है। आज हम साथ में जो बात करने वाले हैं वो है इंडो टाइबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ITBP के अंदर जो ड्राइवर की पोस्ट आई है, कॉन्स्टेबल ड्राइवर, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉन्स्टेबल ड्राइवर की जो पोस्ट है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसकी जो लास्ट डेट है, इसके संबंध में मैं आपको एक अलर्ट मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ये इसकी जो लास्ट डेट है आ चुकी है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये एक ड्राइवर की गवर्नमेंट जॉब है और इसका जो नोटिफिकेशन है वो 26 जून को यहाँ पे आया था। 26 जून से इसके फॉर्म स्टार्ट है और 26 जुलाई तक आपके इसके फॉर्म फिलअप होंगे, सॉरी 27 जून से 26 जुलाई तक। तो इसकी लास्ट डेट आने वाली है। तो जो भी साथी इसकी तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में इसमें प्राप्त करना चाहते हैं, इसकी जो पात्रताएं हैं वो पूरी करना चाहते हैं, तो आप समय रहते फॉर्म भरें। फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको बता देना चाहता हूं। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करना है। विजिट करने के लिए वेबसाइट के रूप में आपको www.requirement.itbppolice.nic.in इसके ऊपर जाना है। अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं डायरेक्ट लिंक आपको दे दूंगा। फॉर्म कैसे भरना है आपको जानकारी नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मैं लिंक दे रहा हूँ फॉर्म कैसे भरें, उस वीडियो को आप अंत तक देखें। मैंने खुद का फॉर्म भरा है, उस फॉर्म का वीडियो बना के मैंने अपलोड किया है। तो ये चीज़ें मैं पहले आपको बता देना चाहता था कि लास्ट डेट आ चुकी है, आप जल्दी फॉर्म भरें। जो कैंडिडेट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस भर्ती के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं तो बता देता हूँ। ITBP फोर्स में ड्राइवर की काफ़ी बड़ी भर्ती आई है, टोटल 458 पदों पर भर्ती है। कॉन्स्टेबल ड्राइवर की गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी भर्ती है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फॉर्म स्टार्ट 27 जून से हुए थे, 26 जुलाई तक रात के 12 बजे तक फॉर्म यहां पे भरे जाएंगे। बात करता हूं यहां पे मैट्रिक्स की, पे स्केल की, तो काफी अच्छा वेतन आपको यहां पर मिलने वाला है। वेतन ज्यादा बेरोजगारों के लिए मायने नहीं रखता है, काफी अच्छा वेतन है इसमें, तो आप इसमें जरूर भाग ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रताएं क्या होनी चाहिए, तो एज लिमिट बता देता हूं 18 सॉरी 21 से 27 साल के बीच में जनरल कैंडिडेट के लिए होनी चाहिए। हालांकि ओबीसी SC ST को छूट है इसमें, अभी बताऊंगा। एजुकेशन में आप कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए और आपके पास में हेवी लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास में हेवी लाइसेंस है वो चाहिए 6 महीने पुराना हो, 1 महीने पुराना हो, कितना भी पुराना हो, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कट ऑफ डेट फॉर एज एंड लाइसेंस यानी कि कट ऑफ डेट क्या होगी, आपकी जो एज है 21 से 27 साल वो कब तक काउंट की जाएगी, तो ये 26 जुलाई 2023 के संदर्भ में आपकी काउंट की जाएगी। 26 जुलाई तक अगर आपकी एज लिमिट ओके है तो साथ में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। छूट के बारे में बात करता हूं तो SC ST कैटेगरी को 5 साल की छूट है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट है, और जो ओबीसी में क्रीमी लेयर है उनको छूट नहीं है अभी साथियों, है ना। तो नॉन क्रीमी लेयर कौन होते हैं, जिनकी मतलब 7-8-10 लाख से कम आय होती है, यानी जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं ओबीसी में उनको क्रीमी लेयर कहा जाता है, और जो कम पैसे वाले होते हैं उनको ओबीसी नॉन क्रिमिनल होता है। एक गजेटेड ऑफिसर होता है 4800 ग्रेड पे का, वो भी नॉन क्रिमिनल में आता है, ध्यान रखना आप। तो लगभग ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो नॉन क्रिमिनल में आते हैं। अक्सर सर्विस में इनको सर्विस के बाद में 3 साल तक यहाँ पे फॉर्म भरने की छूट है, और यहाँ पे आप एक्स सर्विस में ओबीसी की, एक्स मीन SC ST की गवर्नमेंट सर्वेंट अगर है तो 40 साल तक इसमें भर सकते हैं। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन द 1984 रियॉर्ट्स और कम्युनल रिजॉर्ट्स ऑफ 2002 में, इन गुजरात में जो भी ये आपदा आई थी, इनके जो कैंडिडेट हैं इनको छूट दी गई है। इसके अलावा बात करता हूँ साथियों, यहाँ पे आपको एक फिजिकल स्टैंडर्ड आपके पास में होना चाहिए। अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड कंप्लीट करते हैं तो ही इसमें फॉर्म भरना है। यानी कि सबसे पहली बात है, आपकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपका जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाव के साथ में 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना है। इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको छूट मिलती है। इन कैटेगरी आप देख पा रहे होंगे तो इन अगर आप इसमें आते हैं तो आपको यहाँ पे छूट मिलती है। बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो यहाँ पर जो आपकी जो दृष्टि है वो जो बेटर आई, रोज आई, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विजुअल एक्यूटी अनएडेड नियर विजन 6N6 होनी चाहिए, रोज आई भी N9 तक हो सकती है। अनकरेक्टेड विजुअल एक्यूटी, डिस्टेंट विजन की बात करता हूँ, तो डिस्टेंट विजन यानी कि आपने अगर किसी भी प्रकार से सही करवाया तो वहाँ दिक्कत आपको आ सकती है, हालांकि आती नहीं है। आजकल जो ऑपरेशंस करते हैं लेजर ऑप्शन वो इसमें नहीं आते हैं, तो अगर आपको कोई दिक्कत हो आप उसको हटा सकते हैं। एक टेटो के बारे में बताया गया है, टेटो कितना क्या होना चाहिए, तो आप इस कंटेंट को पढ़ सकते हैं टेटो के लिए कि भी कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए। एल्बो और हैंड
तो जो आपका टैटो होता है, टैटो कंटेंट के बारे में कंप्लीट जानकारी है कि जो टैटो होता है वो आपके एल्बो और हाथ पर हो सकता है, लेकिन ऐसे जगह नहीं हो सकता जो आपको किसी चीज, किसी अधिकार को सैल्यूट करते समय सामने आए या उस भाग के 1/4 से ज़्यादा भाग पर है, तो ये दिक्कत होती है, अन्यथा ये टैटो चलता है ना। तो हाउ टू अप्लाई एंड बाय विच डेट, यानी आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो पहली बात तो ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, इसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करता हूँ। तो सिलेक्शन प्रोसेस में ये कहा गया है कि भी आपकी सिलेक्शन जो प्रोसेस होगी किस बेसिस पे होगी, कैसे होगी। तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए क्लियर एंड लीजिबल प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड, एल्स दे विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर द वेन्यू ऑफ फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST। यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, तो फिजिकल के समय आपको इस फॉर्म का आपको क्या है वो क्या करना पड़ेगा, इसका प्रिंट आउट ले जाना पड़ेगा। जो फिजिकल होगा इसमें सबसे पहले आपको फेज फर्स्ट से गुजरना है। फेज फर्स्ट में आप सभी को पता होगा रेस लगानी है आपको, रेस है 1.6 किलोमीटर से, यानी 1600 मीटर की। टाइम आपको 7.5 मिनट का मिल रहा है, काफ़ी अच्छा टाइम है। लॉन्ग जंप यहाँ पे लगाना है 3 चांसेज में आपको, 11 फीट का, कोई ज़्यादा नहीं है। 3.5 फीट का जो हाई जंप है वो भी 3 चांस आपको मिल रहे हैं, तो इसमें भी कोई आपको ज़्यादा दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी। फिजिकल स्टैंडर्ड मैंने बता दिया, आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट आपका 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो वो आपके इसमें आ जाएगा। फेज सेकंड जो होगा, फेज सेकंड जो फिजिकल में पास हो जाएंगे उनका एक रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम साथ में आप सभी को पता होगा कि 100 मार्क्स का होने वाला है, 100 नंबर का पेपर होगा, और इस 100 नंबर के पेपर में आप जिस हिसाब से देख पा रहे हैं इस हिसाब से इसमें चीज़ें रहने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल नॉलेज दोनों भाषाओं में आएगा, अंग्रेजी और हिंदी में, तो इसमें आपको 10% पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स है, इसमें भी 10% आपको आएंगे। हिंदी और इंग्लिश के हैं वो भी 10-10% आएंगे। और यहाँ पे ट्रेड रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चंस MCQ बिलिंगुअल, तो इसमें भी आपको यहाँ पर 60% सबसे ज़्यादा फैक्टर जो रखने वाला है वो ये आपका ट्रेड रिलेटेड सब्जेक्ट जो टॉपिक है 60 नंबर का आने वाला है। तो शानदार आपको यहाँ पर तैयारी करनी होगी, दिखानी होगी। और पिछली बार की कट ऑफ की बात करता हूँ तो लगभग 58 जो नंबर है यहाँ पे कट ऑफ आपकी गई थी, और इसमें कम से कम आपको है वो जनरल एक्सर्विसमैन और EWS कैंडिडेट को 35% आपको लाने पड़ेंगे। SC ST OBC को यहाँ पे 33% जो नंबर है वो क्वालिफाइंग नेचर के रूप में आपको कम से कम लाना पड़ेगा। फेज थ्री है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको दिखाने पड़ेंगे, और जिसमें कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको दिखाना है। डेट ऑफ बर्थ यानी कि 10वीं की मार्कशीट आपको दिखानी है। वैलिड हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपको दिखाना है। प्रोफेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एनी, यानी कि जरूरी नहीं है, अगर है तो आप अनुभव सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। इस बात से ये निर्धारित होता है कि आपको यहाँ पे हैवी का अनुभव नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा आपको जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, चाहे वो SC ST OBC EWS का हो, इनमें से जो भी है, तो उसको भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। और वो भी दोस्तों कहाँ तक का, बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ 26 जुलाई 2023, इससे पहले का आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये बाकी सारी चीजें आपको पता होगा। अब दोस्तों यहां पर देखो, एक कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन एज ओबीसी NCL CL सबमिट ए डिक्लेरेशन एज एनेक्सर सेकंड ए। अब जो दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि ये सेंटर का चाहिए या स्टेट का चाहिए, तो आप इस एनेक्सर सेकंड को देखेंगे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है वो उसमें दे रखा है, तो मतलब कि सेंट्रल का ही ओबीसी आपको यहां पे चाहिए होता है। तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो ये चीजें थी जो मैंने आपको यहां पर बताने का प्रयास किया है। और इसके बाद में फाइनल स्टेप होगा आपका प्रैक्टिकल टेस्ट, यानी कि आपको ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। ड्राइविंग टेस्ट में आपको पता है क्या होता है, ड्राइविंग आपसे करवाएंगे, मेंटेनेंस के कुछ आपको यहां पे होंगे। तो ये आपके जो है ड्राइविंग जो टेस्ट होगा इसकी प्रोसेस में आपको यहां पर दिखा रहा हूं, पॉइंट नंबर दिए गए, 5-5 नंबर की ये पॉइंट है। तो इसमें आपको ये भी एक क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको ये 50 मार्क्स का ये आपको मतलब की टेस्ट है, और इसमें 50 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, मतलब कि 50 में से 25 नंबर आपको लेके आने पड़ेंगे, नहीं तो आप फेल माने जाएंगे। और लास्ट में जो है आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट है साथियों यहाँ पर किस पे बेस पे रहेगी, जो रिटर्न एग्जाम होगा उसके बेसिस पे रहेगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपको बताने का प्रयास किया। फेज जो फोर्थ है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन ये हो जाएगा, और इसके बाद में रिव्यू मेडिकल होगा, दोबारा से मेडिकल आपका करवाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर्म के संबंध में दे दिए गए हैं। जो भी साथी यहाँ पर बताना चाहूँगा, तो साथियों अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो स्टडी एट होम ऐप है, इस स्टडी होम ड्राइवर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और ITBP ड्राइवर 2023 का चालक बैच ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो चुका है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सहायता के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।